वही ध्यान है। तो एक प्रक्रिया है धरती में, आपके दरबार में ये शक्ति है। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये दरबार आपका भूतकाल और भविष्य दोनों बंद कर सकता है एक सेकंड। ना भूतकाल के बारे में कुछ देख पाओगे, ना भविष्य के बारे में देख पाओगे, देख ही नहीं सकते। कितनी कोशिश कर लो, देख ही नहीं सकते। तो जब देख नहीं सकते तो क्या होगा, अभी वर्तमान में बना रहना पड़ेगा। तो जल्दी ध्यान होगा, तो ध्यान करके मोक्ष पाने का जो समय है, कई पीढ़ियों में आपको नहीं मिलता, यानी कई आपके जन्म हो जाते हैं, सैकड़ों जन्म, फिर मोक्ष नहीं मिलता। कलयुग में इस करौली सरकार के दरबार में, इस करौली शंकर महादेव के आशीर्वाद से आप वही काम साल 6 महीने में कर सकते हैं। कि आपको सब अच्छा अच्छा और साफ साफ दिखने लगे, जो भी जैसा है वैसा प्रकृति में आपको दिखाई देने लगे, ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह। वो एक प्रक्रिया है। अभी आने वाली गुरु पूर्णिमा को, जो 13 जुलाई को है, गुरु पूर्णिमा है 13 जुलाई की, तो 3 दिन कार्यक्रम रहेंगे, 12, 13 और 14 को कार्यक्रम यहाँ होंगे। और गुरु पूर्णिमा होगी, जो पुराने भक्त दरबार के जो दीक्षा ले चुके हैं वो भी शामिल होंगे, जिन्हें दीक्षा लेनी हो भी शामिल होंगे। एक विशाल कार्यक्रम होगा। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण शरण। तो दीक्षा के कार्यक्रम में विदेशों से भी लोग आपके आएंगे, यहाँ रहेंगे आपके साथ। तमाम हमारे राजीव जी जो है, उनकी सब जो टोली है पूरी, वो तमाम अंग्रेज जो मित्र हैं वो भी सब यहाँ रह करके लगभग 1-1 महीने तक और ध्यान के सागर में गोते लगाएंगे। वो इसलिए गोते लगाएंगे कि उन्होंने देख लिया, झलक देख ली है, कैसे हम इससे पार जा सकते हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। जो धरती में भी कोई उपाय नहीं है, वो करौली सरकार के दरबार में उन्हें दिख गया है कि हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, जीते जी मुक्ति पा लें, है ना। तो वो मुक्ति दूसरी है जो पितरों को मिलने जा रही है। वो कौन सी मुक्ति है? प्रेत योनि से मुक्ति। जय जय राधा रमण चरण, शिवलोक में स्थान। और जब आप ध्यान और साधना के द्वारा मुक्ति पाएंगे तो वो 84 लाख योनियों से मुक्ति है, दोबारा इस धरती में जन्म नहीं लें, देव योनि में चले जाएं सीधे। तो ये सब हो पाता है कब? जब आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं तब। अगर आपके पितृ मुक्त नहीं है, ध्यान कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपकी मुक्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। भगवान परशुराम को भी नहीं मिली, अपने पिताश्री उनके पूर्वजों की जो स्मृतियां थी, मुक्ति तो दिला दी उन्होंने पितरों को। पितर तो परशुराम जी के मुक्त हो गए, वो तो महान ऋषि थे जब शरीर में थे। अभी तो आपके दरबार में हमारी आपको बात को सुन रहे हैं, यही उपस्थित हैं, आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, यहीं पे हैं। अभी आप सबको मुक्त करेंगे समस्याओं से। वो तमाम पूरे देव योनी के लोग, सारे चिरंजीवी यहाँ पे इकट्ठे हैं, सारे देवी देवता यक्ष गंधर्व सभी लोग जो आपकी सेवा के लिए आतुर है, सभी देवी देवता, सब सारी माताएं, भगवान भोलेनाथ स्वयं, सबकी उपस्थिति है। और ये आपके पितरों की मुक्ति के लिए केवल है। पितरों की इतनी लंबी लाइन लगी हम आपको किलोमीटर में नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि वो लाइन आकाश में है, वहाँ नापा नहीं जा सकता कुछ। तो सब मुक्ति के लिए आतुर है।